हे गाइस, वेलकम बैक। इसमें हम देखेंगे लर्न ग्रामर विद एमसीक्यूज का सेट 4। आई होप आप सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देख चुके हो। तो चलो सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम एंड ही आस्क मी टू हेल्प हिम। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से और देखो कहाँ पे एरर है। देखो एरर कहाँ पे, इस सेंटेंस में दो एरर है दोस्तों। कहाँ पे है, पहला देखते हैं। अरुण एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम, ये फ्रेज गलत है। एक्सप्लेन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। तो यहाँ पे टू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे गलत क्या है। देखो इसका सही क्या होगा, एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, इसका सही क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी, ये यहाँ पे इसका सही यूज होगा। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी का मतलब क्या है, उसने उसका प्रॉब्लम मुझे एक्सप्लेन किया, समझ में आया। लेकिन एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि मुझे वो अपना प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा तरीके से आप समझो, मुझे अपना प्रॉब्लम बता रहा है मतलब मैं उसका प्रॉब्लम हूँ। ठीक है, अगर मैं बताऊँ एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम, मतलब उसका जो प्रॉब्लम कौन है, मैं हूं, कि मुझे वो अपना प्रॉब्लम की तरह बता रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों में मीनिंग ये है, एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी, इसका यहाँ पे सही मीनिंग होगा, क्योंकि वो अपना प्रॉब्लम मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। तो एक्सप्लेन समथिंग क्या है, समथिंग यहाँ पे क्या है, हिज प्रॉब्लम है, टू के बाद समवन क्या है, मी है। तो एक्सप्लेन समथिंग टू समवन हमेशा ये सही फ्रेज है, याद रखो। नेक्स्ट गलती क्या है, देखो ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। देखो दोस्तों, जब भी दो सेंटेंस एंड से जुड़ता है ना, तो बाद में एक्स्ट्रा फिर से प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अरुण ऑलरेडी यहाँ पे है, तो फिर बाद में ही लगाने की जरूरत नहीं है। ही तब कब कब लगाते हैं हम प्रोनाउन, जब दूसरा सेंटेंस में हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है अरुण, तो उसको फिर से डिफाइन करने के लिए हमको प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ही को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दोनों पार्ट में एरर है, यहाँ एक पार्ट में एरर है और बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, माई फादर नोज द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग एट भेल। तो यहाँ पे गलत क्या है, देखो यहाँ पे मोस्ट के सामने दी है, तो हमको लग रहा होगा ये सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आता है। ठीक है, वो रूल के हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स का मतलब क्या है, कि ज्यादातर, यहाँ पे संख्या में बताया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स का मतलब क्या है, ज्यादातर इंजीनियर, तो ज्यादातर यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं है। तो अगर मोस्ट सुपरलेटिव के हिसाब से यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे दी का क्या काम है, यहाँ पे दी का काम ही नहीं है कुछ। अगर यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव के हिसाब से यूज किया जाता, तो सुपरलेटिव से पहले हमेशा दी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है, तो यहां पे दी को हम हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निरोली ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ऑरेंज ट्री। ये सेंटेंस में अच्छे से देखो पॉज करके, क्या गलत है दोस्तों, ये सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है। देखो निरोली ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, यहां तक सही है, गलत दे सकता है यहां से दी फ्लावर्स ऑफ द ऑरेंज ट्री, जो कि यहां पे सही दे दिया उसने, दी लगा दिया है। अब देखो जो निरोली ऑयल है कहां से मिल रहा है, सिर्फ ऑरेंज ट्री के फ्लावर से, फ्लावर से मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ ऑरेंज ट्री के फ्लावर से निरोली ऑयल निकलता है, तो डिफाइन कर रहा है वो फ्लावर ऑफ ऑरेंज ट्री को। तो दी यहाँ पे लगाने से क्या हो गया, दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल जब हम लगाते हैं तो वो कोई चीज को पूरे डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लावर ऑफ ऑरेंज ट्री से ही निरोली ऑयल निकलता है, इसलिए यहाँ पे दी लगाया गया है। एग्जाम में यही सेंटेंस को दी को हटा देगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, निरली ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ द ऑरेंज ट्री। देखो दी को हटा देने से क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी फ्लावर हो, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई भी फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज ट्री, नहीं, यहाँ पे दी फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज ट्री मतलब ऑरेंज ट्री के उसी फ्लावर, सिर्फ फ्लावर से निकलता है निरली ऑयल। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना जरूरी है, एग्जाम में अगर गलत करना है तो इसको दी को हटा देगा। नेक्स्ट देखो, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स, न्यूरोटॉक्सिन यहाँ पे क्या है, न्यूरोटॉक्सिन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसका वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही है, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। देखो डैमेज भी वर्ब है,
जैसे अटैक वर्ब है, डैमेज भी वैसे ही वर्ब है, किसका? न्यूरोटॉक्सिन का। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लूरल दे दिया है, तो डैमेज को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, डैमेजेस लिखेंगे, तो एस लग जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है, डैमेजेस इट। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, आई वेंट टू सी द कोल माइन इन आसानसोल इन लास्ट समर। यहाँ पे गलत क्या है दोस्तों? या वीडियो आप खुद से करो, ट्राई करो, मतलब देखने के लिए कि यहाँ पे गलत क्या है, जानो आंसर क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ गलत कहाँ पे, गलत है पार्ट सी में। क्यों? देखो जब भी हम लास्ट वीक, लास्ट इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, लास्ट, नेक्स्ट, वीक, मंथ, ईयर, समर, स्प्रिंग, तो ये सबसे पहले कभी भी प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने बताया हुआ है, इन कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ठीक है, इन तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है उससे पहले। तो यहाँ पे देखो उसने इन यूज करके दे दिया है लास्ट से पहले, तो इनको यहाँ पे हटा देंगे तो सही हो जाएगा, वेंट टू सी द कोल माइंस इन आसानसोल लास्ट समर, बस काम खत्म। यहाँ पे लास्ट समर बोल देंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बता दे रहा है कि लास्ट समर, लास्ट टाइम जो समर था, हम घूमने गए थे कोल माइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल हिज चिल्ड्रन आर नोइंग एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज। देखो आर नोइंग का मतलब क्या है, जान रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जान रहे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि उसके सारे चिल्ड्रन एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं। तो जब हम जानते हैं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सा टेंस हम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो आर नोइंग की जगह पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, नोस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नोस। ऑल ही चिल्ड्रन नोस एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज। समझ में आया गलत कहाँ पे? यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, वी डोंट डिस्कस अबाउट द केस इन हिज प्रेजेंस। देखो यहाँ पे उसी टाइप का एरर आ गया जो एक बार मैं बताया था किरण के क्वेश्चन जब हम कर रहे थे। डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता है, उसका सही यूज नहीं है। ये हमेशा डिस्कस लगाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली वो अबाउट लगाएगा एग्जाम में, चाहे सेंटेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी कर सकता है वो। तो डिस्कस में मैंने बताया था क्या है, डिस्कस में ही अबाउट का मीनिंग छुपा हुआ है। डिस्कस का मतलब क्या है? टॉक अबाउट। डिस्कस का मतलब क्या है दोस्तों? टॉक अबाउट। तो डिस्कस में अबाउट छुपा हुआ है, तो डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का लगाना मतलब सही यूज नहीं है, अबाउट को जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो जरूरत नहीं है फिर भी वो लगा के देगा सेंटेंस को गलत करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वी डोंट डिस्कस द केस इन हिज प्रेजेंस, तो अबाउट यहाँ पे हटा देने से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु डू यू थिंक दैट डिड इट। तो देखो दोस्तों दैट यहाँ पे यूज किया गया है जो कि गलत है। क्यों? देखो दैट हम क्यों कब यूज करते हैं, जब कोई वर्ब के लिए सब्जेक्ट ना हो तो उस वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से दैट को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब डिड है, डिड का सब्जेक्ट यहाँ पे हु है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हु सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत ही नहीं है। दैट यहाँ पे सुपरफ्लुअस से मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है सेंटेंस को गलत कर देने के लिए। तो यहाँ पे दैट को हम हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, हु डू यू थिंक डिड इट, बस सेंटेंस इतना ही है, दैट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ही डिड नॉट नो वेदर ही विल एंजॉय हिमसेल्फ। देखो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, डिड से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो पास्ट के बारे में जब बात करते हैं तो विल का जो फ्यूचर फॉर्म है, ये इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे वुड यूज होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे एग्जाम में विल यूज करके देगा आपको, विल इसका फ्यूचर फॉर्म है, लेकिन इसका पास्ट फॉर्म, जब हम विल का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं जो कि वुड है, तो यहाँ पे वुड यूज होना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो यहाँ पे विल का वुड होगा ना कि विल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ही वुड एंजॉय हिमसेल्फ। समझ में आया? तो कोई भी चीज पास्ट में है ना, तो सब कुछ हर चीज पास्ट में होना चाहिए उसका, जैसे वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो डिड है लेकिन यहाँ पे उसने विल दे दिया, विल फ्यूचर फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और वुड इसका पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर देयर रीजंस टू से इट। देखो दोस्तों रीजन का तीन फॉर्म है, याद रखो रीजन का तीन फॉर्म है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, रीजन फॉर समथिंग, क्या लिखा पहला मैंने, रीजन फॉर समथिंग, नेक्स्ट क्या है, रीजन फॉर डूइंग समथिंग, तीसरा क्या है, रीजन टू डू समथिंग। ये तीन इसका सही फॉर्म है,
ये तीन के अलावा अगर कुछ भी रीजन के साथ यूज किया गया है तो वो गलत है। तो इसको आप मतलब याद रखने जैसे रख लो इसको, रीजन फॉर समथिंग, रीजन फॉर डूइंग समथिंग, रीजन टू डू समथिंग। तो यहाँ पे रीजन है, उसके बाद क्या है, टू है, तो टू के बाद कुछ भी डू समथिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये पार्ट सी में पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, व्हाट आर देयर रीजन्स टू से इट की जगह पे क्या यूज होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? तो देखो दोस्तों, ये सेंटेंस में व्हाट आर देयर रीजन्स टू से इट दिया हुआ है, तो रीजन टू डू समथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे रीजन है, टू है, डू क्या है, से है, समथिंग क्या है, इट है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका फॉर्म, ये जो तीसरा फॉर्म है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इस सेंटेंस में, तो नो एरर इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये तीन फॉर्म याद रखो रीजन का। नेक्स्ट देखो, आई वॉज फील्ड विथ डिटर्मिनेशन बाई वॉचिंग हिम। तो सेम रीजन की तरह यहाँ पे डिटर्मिनेशन का भी दो फॉर्म निकलता है, क्या है, डिटरमाइंड टू डू डू समथिंग, और एक क्या है, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। क्या है दोस्तों, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डिटरमाइंड टू डू समथिंग, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, ठीक है? मैं स्पीड में लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, तो समझ जाना बस। डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। तो यहां पे डिटर्मिनेशन के बाद टू है क्या? नहीं है, तो गलत है। यहां पे टू होना चाहिए, तो भाई की जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे टू होना चाहिए। टू के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, डू समथिंग। तो क्या कर रहा है, वॉचिंग। यहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, यहां पे वी1 फॉर्म आएगा, क्योंकि देखो यहां पे वी1 फॉर्म है। तो ये वॉचिंग क्या होगा, यहां पे वॉचिंग होगा वॉच समथिंग। तो यहां पे सही है, देखो, आई वॉज फेल्ड विथ डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, तो आई वॉज फेल्ड विथ डिटर्मिनेशन टू वॉच हिम, यहां पे सही होगा, ना कि बाई वॉचिंग हिम। समझ में आया? तो ये इसका दो फॉर्म है, डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग और डिटरमाइंड टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखो, ही हैज ओनली कॉफी इन ब्रेकफास्ट। दोस्तों आप क्या बोलते हो ब्रेकफास्ट के लिए, मैं ब्रेकफास्ट पे ब्रेड खाता हूँ या ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाता हूँ? ब्रेकफास्ट पे ब्रेड खाते हैं हम, तो यहाँ पे उस हिसाब से, यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रीपोजिशन, देखो ये सब मेरा लॉजिक है खुद से, मतलब मैं खुद से सोचता हूँ थोड़ा टाइम लेके कि एक्चुअली क्या, मतलब अपने हिसाब से अपना लॉजिक लेके मैं सोचता हूँ तो मेरे को आंसर मिल जाता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर पे लगाएं तो ये इन नहीं है, इन यहाँ पे मे है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे होता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पे यूज होगा फॉर, पे है तो फॉर यूज होगा। तो हमेशा याद रखो, फॉर ब्रेकफास्ट हम यूज करते हैं, ना कि इन ब्रेकफास्ट। तो ऐसे में एक लॉजिक निकाल के मैं क्या कर लेता था, फिर उसको मैं रट लेता था, मतलब याद रख लेता था। अब याद पहली बार में रहेगा नहीं, जब भी क्वेश्चन आप बार बार करोगे तभी जाके याद रहेगा, ठीक है? जब भी मैं ये क्वेश्चन को फिर से आके देखूं तब मेरे को याद आना चाहिए कि यहाँ पे फॉर ब्रेकफास्ट है। अगर याद आ गया तो समझ लो मैं समझ लूंगा कि मेरे को याद है, अगर याद नहीं आया तो फिर से मैं देखूंगा, फिर से इसको याद करूंगा। तो ही हैज ओनली कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट, ना कि इन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ यू वॉन्ट टू गेट ए प्रमोशन। देखो ये वाला एक मस्त रूल हैड बेटर सूनर रैदर, क्या लिखा मैंने, हैड बेटर आए या हैड सूनर आए या हैड रेदर आए, ठीक है? यहाँ पे तीनों में से अगर कोई भी एक है तो इसके बाद हमेशा दोस्तों V1 यूज किया जाता है, ये रूल है, हैड बेटर या हैड सूनर या हैड रेदर के बाद हमेशा V1 आता है। तो यहाँ पे हैड बेटर देख रहे हो, तो इसके बाद वर्ब है वर्कड, तो ये किस फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, V1 फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्क होगा ना कि वर्कड होगा। तो यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ यू वॉन्ट टू गेट ए प्रमोशन। समझ में आए गलत क्या है यहाँ पे? बस ये रूल अगर पता है ना तो यहाँ से फट से आप इसका एरर निकाल दोगे, आपको पता चल जाएगा। अगर रूल नहीं पता है तो यहाँ पे डिफिकल्ट होगा ये समझने के लिए। नेक्स्ट देखो, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। दोस्तों हम खाना पे जिंदा रहते हैं या खाना में जिंदा रहते हैं, बताओ? नहीं, खाना खाने के द्वारा जिंदा रहते हैं, खाने पे जिंदा रहते हैं, मतलब फूड पे जिंदा रहते हैं हम, ना कि फूड के द्वारा। तो फूड पे होता है, जिंदा रहना सही यूज है, लेकिन यहाँ पे देखो बाई लगा दिया, बाई का मतलब होता है फूड के द्वारा, मतलब यहाँ पे ब्रेड के द्वारा। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए दोस्तों,
ऑन यूज होना चाहिए। अगर हम इसको ऑन लगा दें तो मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, मतलब मैन सिर्फ ब्रेड पे जिंदा नहीं रहता है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिस पे वो जिंदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ही हैज गॉन टू कलकत्ता लास्ट वीक। देखो हैज गॉन का मतलब है जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जस्ट पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब लास्ट वीक उसने गया है, वो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, वो लास्ट वीक कलकत्ता गया है। तो गया है के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको चार ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है सिंपल पास्ट, वेंट टू कलकत्ता लास्ट वीक दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। समझ में आया इसका मतलब क्यों आंसर है ये वेंट टू कलकत्ता लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान। देखो ये वाला दोस्तों अनकंडीशन मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, इफ क्लॉज आ गया मतलब कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका एक रूल याद रखो, जब भी इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज किया जाए तो इसका मेन क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड आएगा, या वुड आ सकता है या विल भी आ सकता है, ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे वुड है, देखो मेन क्लॉज में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम, तो ही वुड की जगह पे क्या यूज होगा दोस्तों, सिर्फ रिसीव्स यूज होगा, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देंगे। तो ऑप्शन टू देखो, ऑप्शन बी देखो, इफ ही रिसीव्स माई लेटर इन टाइम, तो ये पूरा क्लॉज ये वाला क्लॉज से रिप्लेस होगा, इफ ही रिसीव्स माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। समझ में आया इसका रूल, ये वाला रूल याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव बिन रिंगिंग द डोर बेल 5 टाइम्स बट नो वन हैज आंसर्ड। तो अगर थोड़ा सा भी आप सोचोगे ना, तो हैव बिन यूज किया गया है, टेंस देखो हैव बिन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जब भी हैव बिन हैज बिन आता है तो हमको देखना होगा सेंटेंस में सिंस या फॉर है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में देखो सिंस फॉर कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ही गलत है, ये हैव बिन नहीं होगा, ठीक है। हैव बिन का मतलब क्या है, कोई चीज करते आ रहा है, चलता आ रहा हैव बिन का मतलब क्या है, कोई चीज पास्ट से चलता आ रहा है और अभी भी वो काम चल रहा है, तब हम हैव बिन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि मैंने डोरबेल 5 बार रिंग किया लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जस्ट मतलब पास्ट की तरह, जस्ट मतलब मैंने 5 बार मतलब डोरबेल रिंग किया। तो अब तीन ऑप्शन में से कहाँ दिख रहा है, हैड है तो ये नहीं होगा, आई एम रिंगिंग है ये भी नहीं होगा, रिंगिंग का मतलब वो काम उस टाइम चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, आई हैव रंग द बेल, मतलब मैंने डोर बेल को बजाया, तो ये यहाँ पे सही लग रहा है इसका आंसर। तो ऑब्वियसली ये चार ऑप्शन में से ये तो नो इम्प्रूवमेंट है, ये तो अभी होगा ही नहीं क्योंकि ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, आई हैव रंग द बेल 5 टाइम्स बट नो वन हैज आंसर्ड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम इज हैविंग ए गुड ईयर फॉर म्यूजिक। देखो हैविंग का मतलब क्या है, कि मतलब वो ले रहा है, ठीक है। हैविंग ए गुड ईयर का मतलब क्या है, कोई हैविंग मतलब क्या, आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अब यहाँ पे कोई कंटिन्यू काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे जो हैविंग यूज किया गया है, हैव का जो फॉर्म यूज किया गया है, इसका मतलब है कि उसके पास है। जब हम बोलते हैं कि मेरे पास ये है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास पेन है, तो आई हैव ए पेन बोलते हैं, या आई एम हैविंग ए पेन बोलते हैं, आई हैव ए पेन बोलते हैं, तो सेम उसी हिसाब से उसके पास गुड ईयर है। तो यहाँ पे गुड ईयर है के लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हैव बोलेंगे ना कि हैविंग, हैव नहीं होगा हैज होगा सॉरी, क्योंकि हैव इसका प्लूरल फॉर्म है, तो हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या हैज है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, देखो रमन हैज ए गुड ईयर फॉर म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या होगा, हैविंग की जगह पे हैज होगा, ठीक है। और इज ओइंग इज पोजेसिंग ये सब नहीं होगा, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ही विल अराइव द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम। देखो ये वाला रूल मैं अभी बताया था, आ गया फिर से ये वाला रूल, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, अगर इफ क्लॉज में है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड या विल आएगा। तो मेन क्लॉज में देखो यहाँ पे दी बैंड सब्जेक्ट है और विल है, तो इसको हम इसका पहला मतलब कंडीशनल क्लॉज, वेन है तो कंडीशन वाला सेंटेंस है ये, तो इफ भी हो सकता है वेन भी हो सकता है। तो वेन वाला यहाँ पे कंडीशनल में हमको देखना होगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, कि नहीं है, यहाँ पे विल है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ही विल अराइव की जगह पे क्या होना चाहिए, ही अराइव्स। देखो कहाँ पे है ही अराइव्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है ही अराइव्स, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, व्हेन ही अराइव्स द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम, ठीक
ठीक है, जब वो पहुंचेगा तो बैंड नेशनल एंथम प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यू मेडिसिन मेड द चिल्ड्रन गेट बेटर। तो हमेशा मेड समवन गेट बेटर, इसको याद रखो, ये एक फ्रेज है, मेड समवन, मैं चीज़ें याद रख लेता था हमेशा। तो याद रखने से दोस्तों क्या होता है, कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और चीज़ें मेड समवन गेट बेटर, चीज़ें क्या होता है कि दोस्तों इजी हो जाता है। ठीक है, देखो आप किसी से आर्गुमेंट मत करो कभी भी, कि देखो फॉर एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी में यही होता है, सेल्फ स्टडी में क्या होता है कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो क्या करना है कि ये देखो एसएससी एग्जाम कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि आपको एनालिसिस करने के लिए बोलेगा, नहीं, यहाँ पे चीज़ें उसी टाइप की आ जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करके, किसी को मतलब आर्गुमेंट ना करके, आप क्या करना ना उस चीज़ों को याद रख लेना। याद रखने से क्या होगा, उस टाइप के सेंटेंस जब भी देखोगे ना तो दिमाग में उस टाइप एक टाइप का घंटी बजेगा उस टाइम कि मैंने इस चीज़ को याद रखा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है सही वहाँ पे। तो यहाँ पे मेड समवन गेट बेटर, तो मेड समवन में कौन है, यहाँ पे दी चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे फ्रेज बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये सही है, कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, आई डिडेंट डू इट विद द होप्स टू गेट समथिंग। अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश का नॉलेज है ना, तो आप यहाँ पे होप्स ये जो दिख रहा है यहाँ से समझ जाओगे कि ये गलत है, होप्स तो होगा ही नहीं, कभी भी हम होप बोलते हैं ना कि होप्स बोलते हैं। नेक्स्ट रूल, और एक रूल मैं बताऊंगा यहाँ पे गलत क्यों है, जब भी दोस्तों होप, ये जो होप दिख रहा है, जब ये नाउन के हिसाब से यूज होता है ना, जब भी नाउन के हिसाब से यूज होता है, अब देखो यहाँ पे दी होप लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये नाउन है, तो नाउन के हिसाब से होप जब यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा ऑफ आता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो होप के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, फिर आएगा गेटिंग। देखो कहाँ पे ऑफ गेटिंग दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, विद द होप ऑफ गेटिंग समथिंग होगा। ठीक है, जब भी होप नाउन के हिसाब से यूज होगा तो उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, याद रखो इसको, होप लिख देता हूं मैं यहां पे, होप, होप ऑफ, सॉरी ये वाला छोड़ो, प्लस लिख दिया मैंने, होप ऑफ गेटिंग समथिंग। रूल क्या है यहां पे, होप अगर नाउन के हिसाब से यूज किया गया है तो उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ये इसका रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर्स इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो ये अंडरलाइन पार्ट को हमको चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो दिस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जो पूर्व मतलब पीढ़ी से चलता आ रहा है हमारा, जो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, हम किसके इनहेरिटेंस है, पूर्वज के इनहेरिटेंस है हम, तो दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर्स, आवर्स का मतलब हमारा, तो ये फ्रेज बिल्कुल भी गलत नहीं है, इस फ्रेज में इस फ्रेज बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, तो यहाँ पे और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। देखो दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर, आवर मतलब हम, आवर्स मतलब हमारा, तो यहाँ पे हमारा की बात किया जा रहा है ना कि हम की, तो ये गलत हो गया। दिस इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ऑफ आवर्स, तो ये इनहेरिटेड बना दिया, ये गलत हो गया। आवर दिस इनहेरिटेंस, तो हमारा ये इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर्स, हमारा ये इनहेरिटेंस। ठीक है, बोलने में देख मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो ये दोनों का मीनिंग सेम लगता है, दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर्स और आवर दिस इनहेरिटेंस, दोनों सेम लगता है, लेकिन ग्रामाटिकली के हिसाब से दिस इनहेरिटेंस ऑफ आवर्स सही है, ना कि आवर दिस इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में ऐसे ही लगेगा, आप जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपका लेवल डेवलप होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। नेक्स्ट देखो, दिस सेल यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, कंप्राइजेस ऑफ है। देखो इसके रिलेटेड मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, जब भी कंप्राइज वर्ड देखोगे ना, तो कंप्राइजेस, कंप्राइजेस इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ है। क्या है दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ, तो या तो बोलो कंप्राइजेस या तो बोलो कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइजेस के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगेगा और कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंप्राइजेस के बाद उसने ऑफ लगा दिया है तो गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो यूज होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन बी कंप्राइजेस यूज होना चाहिए, ऑफ को हम हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, TU-124 एयरक्राफ्ट कंज्यूम्ड एक्सेसिव फ्यूल कंपेयरिंग टू मॉडर्न फ्यूल एफिशियंट जेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रूल बता रहा हूँ कंपेयर को लेके। ठीक है, पहले बात तो यहाँ पे कंपेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये एक पास्ट के बारे में एक इवेंट है, जो कंज्यूम्ड पास्ट के इवेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग की जगह पे कंपेयर्ड होगा।
उसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज किया गया है, और कंपेयर के साथ, दो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, कंपेयर टू और एक क्या है दोस्तों, कंपेयर विथ। ये प्रीपोजिशन चार्ट में ये सब है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कंपेयर टू, जब दो सिमिलर, दो अलग अलग चीजों के बीच में जब कंपेरिजन होता है दोस्तों, तब हम वहां पे कंपेयर के बाद टू यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैं अपना हैंड के साथ, लेग का कंपेरिजन करूं, तो ये दो अलग अलग चीज है, दोनों सेम टाइप का नहीं है, तब हम कंपेयर के बाद टू यूज करेंगे। कंपेयर के बाद विथ कब यूज होता है, जब सेम टाइप के कंपेरिजन होता है। जैसे मैं अपना हाथ के साथ आपका हाथ का कंपेरिजन करूं, तब जाके कंपेयर के बाद हम, तब उस टाइम में हम कंपेयर के बाद विथ लगाएंगे। तो हमेशा याद रखो, कंपेयर के बाद टू दो अलग अलग कंपेरिजन के बीच में होता है, और कंपेयर के बाद विथ कब आता है, जब दो सेम टाइप की चीजों के बीच में कंपेरिजन होता है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट टीयू, ये एयरक्राफ्ट है और ये भी एक एयरक्राफ्ट है, दोनों के बीच में जब कंपेरिजन, सेम टाइप के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे विथ आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, इस ऑप्शन में है ही नहीं। देखो कंपेयर विथ है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर्ड होगा क्योंकि ये पास्ट इवेंट है, समझ में आ रहा है ना, कंपेयर्ड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में उसका सही दिया नहीं है, तो इसके हिसाब से अगर देखिए, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंपेयर्ड नहीं है, ये कंपेयर्ड फॉर बना दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे कंपेयर्ड टू दिख रहा है, ये सही, हम यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, हम इसको आंसर बना सकते हैं क्योंकि कंपेयर्ड भी है और टू भी है, तो इसको हम आंसर बना सकते हैं, मतलब इस सिचुएशन को देख के। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन बी ही आप टिक करना, ना कि ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम्ड है ना, ये पास्ट में है, ये मतलब ये इवेंट हो चुका है, तो हम यहाँ पे कंपेयर, जो वर्ड है कंपेयर का, कंपेयर्ड ही यूज करेंगे। टू का विथ के साथ थोड़ा मैनेज यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विथ नहीं है तो टू से हम काम चला लेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपेयर्ड विथ ही यूज होगा, ना कि कंपेयर्ड टू, क्योंकि दो जेट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो सेम टाइप के चीज के बीच में जब कंपेरिजन होता है, तो हम कंपेयर के बाद विथ यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, अगर एक ऑप्शन ऑप्शन से हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है, यहाँ पे कंपेयर्ड विथ होना चाहिए था, टू नहीं। सो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे इस सेट में, आई होप आपको सबको समझ में आया। नेक्स्ट सेट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।